guys, what's up? I hope all of you are fine by the blessings and the grace of the Almighty Allah. Actually, dear friends, in this video, we are going to discuss briefly regarding the Danish East India Company. Dear friends, actually, kya ho jata hai? 1536 to 1537, Denmark and Norway together ho jate hai. Shabat, main aapko kya keh raha hoon? 1537 में क्या हो जाता है, डेनमार्क और नॉर्वे टुगेदर हो जाते हैं और अपने पर्सनल यूनियन बना देती है. फिर क्या हो जाता है, फिर ये डेवलप हो जाती है 1660 में. फिर इसको मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, डेनमार्क नॉर्वे. क्या कहते हैं, डेनमार्क नॉर्वे. एंड समटाइम्स इट रेफर्ड एज द ट्विन किंगडम्स और वी कैन से द ट्विन रियलम्स. जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा कि 1536 टू 1537 डेनमार्क नॉर्वे टुगेदर हो जाते हैं, पर्सनल यूनियन बना देते हैं. और फिर क्या हो जाता है, जब ये पर्सनल यूनियन बना देते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं, डेनमार्क नॉर्वे. और ये 1814 तक टुगेदर ही रह जाते हैं. फिर 1814 में ये अकॉर्डेड हो जाते हैं. ठीक, फिर क्या हो जाता है, और आप ये याद रखना है, जो हम दानिश इंडिया हम किसको कहते हैं, फोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ डेनमार्क हम दानिश इंडिया कहते हैं. क्या कहते हैं, दानिश इंडिया. शाबाश, फोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ डेनमार्क कॉल्ड दानिश इंडिया. और डेनिस हम कहते हैं पीपल ऑफ डेनमार्क. शाबाश, पीपल ऑफ डेनमार्क नोन एज व्हाट, नोन एज डेनिस. शाबाश, डेनिस मीन्स पीपल ऑफ डेनमार्क. उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए क्या हो जाता है, एक्चुअली 17 मार्च 1660 में दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो जाती है. 17 मार्च 1660 में दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो जाती है. एक्चुअली दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेफर्स टू द टू सेपरेटेड डेनमार्क नॉर्वे चार्टर्ड कंपनीज. शाबाश, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द टू सेपरेटेड डेनमार्क नॉर्वे चार्टर्ड कंपनीज. शाबाश, जो पहली कंपनी आई थी वो आई थी, जो पहली कंपनी की एग्जिस्टेंस थी वो थी 1616 to 1650 तक. 1650 में फर्स्ट कंपनी को डिजॉल्व किया गया है. और जो सेकंड कंपनी थी, जो इसकी एग्जिस्टेंस थी वो थी 1670 से 1729 तक. यानी जो फर्स्ट कंपनी थी वो थी 1616 से 1650 तक, और 1750 में इस कंपनी को डिजॉल्व किया जाता है. फिर जो दूसरी कंपनी आई 20 इयर्स के बाद आई दूसरी कंपनी, यानी आफ्टर द 20 इयर्स ऑफ फर्स्ट कंपनी द सेकंड कंपनी केम इनटू द एग्जिस्टेंस, दैट इज 1670 to 1729 में दूसरी कंपनी को भी डिसॉल्व किया जाता है. फिर क्या हो जाता है, जो इन दो कंपनीज के ट्रेडिंग पोस्टर्स थे, जो इन कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह था, वो किसको देते हैं, फिर इस दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिफाउंड किया जाता है. फिर क्या किया जाता है, रिफाउंड किया जाता है. उस रिफाउंडेड कंपनी को नाम क्या देते हैं, दानिश ईस्ट कंपनी, या कहेंगे हम ईस्ट कंपनी. और जो इनके ट्रेडिंग पोस्टर्स थे, इन अर्लियर कंपनीज के ट्रेडिंग पोस्टर्स थे, इनके जो पोजीशंस थे वो फिर इसी ईस्ट कंपनी को देते हैं. कब, 1730 में ये रिफाउंड हो जाती है. कौन, ईस्ट कंपनी, यानी डैनिश ईस्ट कंपनी रिफाउंड हो जाती है. उस कंपनी को फिर नाम क्या देते हैं, ईस्ट कंपनी, जो कि कब रिफाउंड हो जाती है, 1730. फिर 1732 में इसको क्या मिल जाता है, चार्टर मिलता है ट्रेडिंग के लिए, और देते हैं इसको वही पोस्ट, वही ट्रेडिंग पोस्ट जो किनके अंडर थे, अर्लियर टू कंपनीज. देखा, को मैं फिर से समझाता हूँ. एक्चुअली क्या हो जाता है, 17 मार्च 1616 में दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो जाते हैं. शाबाश, कब,
1716। फिर क्या हो जाता है, ये किसके जरिए फाउंड हो जाता है, किसके जरिए फॉर्म हो जाता है? एक्चुअली डेनमार्क का किंग होता है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन फोर्थ बना देता है कंपनी 16 मार्च 1717। किसके लिए, किस क्यों बना देते हैं ये? इंडिया में ट्रेड करने के लिए। शाबाश, 16 मार्च 1716 में कंपनी फॉर्म हो जाती है। फिर 1618 में ये कंपनी फर्स्ट एक्सपीडिशन उठाती है और निकलते हैं इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए। शाबाश, कब? 1618 में ये कंपनी फर्स्ट एक्सपीडिशन निकालते हैं। एक्सपीडिशन मतलब पहली ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। वो कहां जाने लगे? इंडिया में ट्रेड करने के लिए। कंपनी का मतलब है यहां पे ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। ठीक, शाबाश। फिर कब बनती है कंपनी? एक्चुअली 17 मार्च 1616। कब निकलते हैं फर्स्ट एक्सपेडिशन का? एक्सपेडिशन निकलता है फर्स्ट 1618। फिर ये 1620 में इंडिया के सिलियान में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? सिलियान में पहुंचते हैं। कब? 1620 में। जब 1620 में वहां पहुंचते हैं, ये ट्रेडिंग परमिशन हासिल करते हैं, वहां से ट्रेड करने लगते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये 1620 में ट्रेड स्टार्ट करते हैं। फिर 1620 में ये फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं। ये कहां पे? ट्रांकेबोर तमिलनाडु में। क्या करते हैं? फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं ये 1620 में, कहां? ट्रांकेबोर तमिलनाडु में। फिर क्या हो जाता है, जब ये कंपनी आगे आगे चलती है तो ये क्या करता है, अपने एक गवर्नर को भी अपॉइंट। फिर क्या हो जाता है, 1620 में ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये डेनिसबर्ग का मतलब है फोर्ट बना देते हैं। कहां? ट्रांकेबोर में। शाबाश, डेनिसबर्ग बनाते हैं 1620 में, कहां पे? ट्रांकेबोर में। और एक गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं जिस गवर्नर का नाम होता है रोलैंड क्रैटी। कब की बात है ये? 1620 की बात है ये। इसके अलावा क्या हो जाता है, जो जब ये कंपनी आगे आगे चलती है तो फिर क्या हो जाता है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी एक्चुअली वो पोअर थी। और इनको लिटिल इन्वेस्टमेंट हो रहा था। इनको पैसे नहीं बच जाते थे, इनको अपना जो कर्जा इन्होंने उठाया था वो भी ये नहीं भर पाते थे वापस। फिर क्या हो जाता है, फिर इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है। फिर इस कंपनी जब 1650 पहुंचता है, फिर जब ये कंपनी ठीक तरीके से नहीं चल पाते, ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और अपने पावर को ये स्ट्रांगली बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। शाबाश, जो फर्स्ट कंपनी थी, जब ये अपने पावर को स्ट्रांगली बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, एक तो लिटिल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एक तो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन थी इसकी, और तो अपने पावर को भी ये स्ट्रांगली बनाने में मजबूत नहीं हो जाते हैं। फिर 1650 में इस कंपनी को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। किसके जरिए? फ्रेडरिक सेकंड के जरिए, डेनमार्क का किंग। इसको इस कंपनी जो इस कंपनी को डिसॉल्व करता है। कब? 1650। और ये कंपनी कहां से कहां तक रहती है? 1650 में इसको क्या गया है, डिसॉल्व। फिर क्या हो जाता है, जैसे मैं आपको बोला कि सेकंड कंपनी आ गया 1670 से 1729 तक। फिर क्या हो जाता है, फिर 20 इयर्स के बाद आफ्टर द फर्स्ट कंपनी डिसॉल्वेशन, फिर क्या हो जाता है, 20 इयर्स के बाद नेक्स्ट कंपनी आ जाती है 1670 से 1729 तक। शाबाश, जब सेकंड कंपनी आई 1670 में, फिर क्या हो जाता है, ये कंपनी 1670 में पहुंची और 1676 में क्या करता है, फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है सिरमपुर में। कहां पे? सिरमपुर कहां है ये? एक्चुअली अलोंग विद द रिवर बैंक्स ऑफ हुगली रिवर बैंक। 1670 में ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। फिर 1676 में क्या करते हैं, 1676 में फैक्ट्री बना देती है। कहां पे? सिरमपुर में। फिर 1698 में ये फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश करते हैं। कहां पे? ये सिरमपुर में करते हैं, जो कि नियरली टू द नॉर्थ ऑफ द सिरमपुर। जो वहां पे क्या करते हैं, ये फर्स्ट ट्रेडिंग स्टेशन को ये एस्टैब्लिश करते हैं। शाबाश,
फर्स्ट ट्रेडिंग स्टेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। कब? 1698 में फर्स्ट ट्रेडिंग स्टेशन जो कि बंगाल में लिटिल नॉर्थ ऑफ द सिरमपुर। और जो इनका हेडक्वार्टर भी था, जो इनका यानी जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था वो भी सिरमपुर में ही था, शाबाश, जो हेडक्वार्टर इनका था वो सिरमपुर में ही था, इनका दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर क्या हुआ, 1698 की बात है ये। फिर जब 17th सेंचुरी आई उस वक्त क्या हुआ, कासिम बाजार में एक टाउन था, कासिम बाजार में वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्क यार्न प्रोड्यूस हुआ अंडर द डेनिस सुपरविजन। शाबाश, इन 17th सेंचुरी लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्क यार्न प्रोड्यूस्ड अंडर द डेनिस सुपरविजन एट द कासिम बाजार। कब? इन 17th सेंचुरी। शाबाश, चले आगे। फिर 17 कब की बात की हमने, ये 17th सेंचुरी। फिर जब 1729 पहुंचता है, जो ये सेकंड कंपनी थी क्या हुआ, इसको भी डिसॉल्व किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इनकंसिस्टेंसी एंड द कंपटीशन ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम इन इंडिया। ये अपना लोन नहीं भर पाई, लेक ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न हुआ इसको। फिर क्या, जब इसको भी क्या हुआ इनकंसिस्टेंसी एंड कंपटीशन की, हाई कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, फिर क्या हुआ लेक ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न हुआ। फिर 1729 में क्या हुआ, इस कंपनी को भी जो फेडरिक थर्ड था, डेनमार्क किंग फेडरिक फोर्थ ने क्या किया, उसने बोला इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाए। फिर 1729 में इस कंपनी को भी डिसॉल्व करते हैं, ठीक, डिसॉल्व किया गया। कब? 1729 में। किसने किया? फेडरिक फोर्थ ने। शाबाश, हेडक्वार्टर के बारे में मैंने आपको बोला। शाबाश, चलिए आगे। फिर क्या हो जाता है, फिर ये सेकंड कंपनी डिसॉल्व हो जाते हैं, मैंने आपको बोला कि फिर रिफाउंड हो जाता है दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको नाम देते हैं एस्टी कंपनी, जो कि 1730 में रिफाउंड हुई है। जब 1730 में एस्टी कंपनी रिफाउंड हो जाती है, नाम जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहां कहेंगे हम दानिश एस्टी कंपनी, इसको रिफाउंड जब करते हैं, एस्टी कंपनी बना देते हैं, कब? 1730 में। फिर 1732 में इसको चार्टर मिलता है और इसको वही पोजीशंस देते हैं, वही ट्रेडिंग पोस्ट देते हैं जो किनके अंडर होते थे, अर्लियर कंपनीज के अंडर। वही सिस्टम इनको ट्रांसफर्ड किया गया है, जो अर्लियर कंपनीज के ट्रेडिंग सिस्टम था, जो भी इनको पोस्टर्स थे वो किसको ट्रांसफर किया गया, फिर 1732 में एस्टी कंपनी या डायनेस्ट एस्टी कंपनी। फिर क्या हो जाता है, शाबाश, जब ये कंपनी आई, इसको बोला गया कि इसको बेटर फाइनेंशियल सिस्टम और बेटर मैनेजमेंट इसको एस्टी कंपनी, शाबाश, 1732 में इसको चार्टर मिला। फिर क्या हो जाता है, जब इसको चार्टर मिला, फिर जब ये कंपनी आगे चल जाती है, फिर क्या, इसके अलावा क्या हो जाता है, ये जो जो सेवन जब 1776 में क्या हुआ, एक्चुअली जब ये इस कंपनी को क्या कहा गया, यानी एस्टी कंपनी को बेटर फाइनेंशियल भी। फिर क्या हो जाता है, फिर 1776 टू 1805 जो सिरमपुर ट्रेडिंग पोस्ट था वहां पे एक हेड बना जाता है। कब? 1776 में उस हेड का जो नाम था वो था ओली बाई हेड बन जाता है सिरमपुर ट्रेडिंग स्टेशन का। कब बन जाता है? 1776। और फिर इसकी डेथ हो जाती है 1805, और 1805 तक की हेड रहता है ट्रेडिंग स्टेशन का। शाबाश, सिरमपुर ट्रेडिंग स्टेशन का हेड बन जाता है कौन? ओली बाई, 1776 में बन जाता है, फिर 1818 तक ही रहता है, और 1776 से 1805 तक ये हेड रहता है किसका, ट्रेडिंग स्टेशन का, जो कि कहां पे था, सिरमपुर में ट्रेडिंग स्टेशन का हेड बन जाता है। शाबाश, 1776 से 1805 तक, 1805 में फिर इसकी डेथ हो जाती है, कहां पे, सिरमपुर में ही, और इसकी जो सिमेट्री वो सिरमपुर में ही है, ठीक। शाबाश, क्या हो जाता है, जब ओली बाई बन जाता है हेड,
उसके दौरान, उसके यानी ओली बाई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के दौरान क्या हो जाता है, सिरमपुर में डेवलपमेंट आ जाती है, सिरमपुर में डेवलपमेंट हो जाती है, चाहे टाउन है या कुछ भी उनके उसको डेवलपमेंट, उसको फ्लोरिशिंग, वो फ्लोरिश हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है, कौन, सिरमपुर टाउन। सिरमपुर टाउन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फ्लोरिश हो जाता है, किसके किसके अंडर, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओली बाई। फिर क्या कब आता है, 1776, और इसकी डेथ कब हो जाती है, 18 मई 1805। शाबाश, क्या हो जाता है, 1776। एक्चुअली क्या हो जाता है, जो 1772 से 1808 जो पीरियड था उसको गोल्डन एज ऑफ दानिश इंडिया कहा गया। शाबाश, 1772 to 1808 तक जो पीरियड था उसको क्या कहा गया है, उसको गोल्डन एज ऑफ दानिश इंडिया कहा गया है। फिर क्या हो जाता है, जो ईस्ट कंपनी थी, जब इसने ये पर्शियंस शाबाश क्या अपने अंडर लिए, हासिल किए, इसकी जो ये भी क्या हुआ, ये भी आगे ज्यादा नहीं चल पाई। फिर क्या हो जाता है, ईस्ट कंपनी रहते हैं टोटली 1777 तक। एक्चुअली 1777 में क्या हो जाता है, जो भी पोजिशंस थे, जो भी ट्रेडिंग पोस्ट थे, जो भी ट्रेडिंग स्टेशंस थे, चाहे ट्रंकेबोर, सिरमपुर या कहेंगे हम मालवार कोस्ट या कुछ भी था, वो किसके अंडर हो जाता है, वो डायरेक्टली ब्रिटिश, वो डायरेक्टली किसके अंडर हो जाता है, दानिश क्राउन के अंडर, दानिश क्राउन के अंदर। यानी 1777 से हो जाता है, आ जाता है दानिश क्राउन, दानिश क्राउन के अंडर हो जाता है ये सारा सिस्टम। शाबाश, 1777 से 1869 तक दानिश क्राउन होता है, दानिश क्राउन चलाता है ये सारा सिस्टम, सारा सिस्टम। शाबाश, 1777 में क्या हो जाता है, दानिश कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू दानिश क्राउन। फिर क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ओली बाई की डेथ हो जाती है सिरमपुर में, कब, 1805 में। फिर जैसे मैंने यहां पे आपको बोला पहले कि 1848 तक इनकी ये पर्सनल यूनियन रही, 1840 में ये अपार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो कुछ बाकी जो इनके साथ थे वो अलग इंडिपेंडेंट बन गए, तो फिर क्या हो जाता है, 1840 में ये अपार्ट हो जाती है। शाबाश, 1805 में ओली बाई की डेथ हो जाती है सिरमपुरा में ही, वो सिरमपुर में ही, सिरमपुर के सेमेट्री में ये है। फिर 1814 में क्या हो जाता है, डेनमार्क नॉर्वे अपार्ट हो जाते हैं, यानी फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इसके पीछे रीजंस भी है, वो हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। शाबाश, ये जब 1848 में इसकी 1805 में इसकी डेथ हो जाती है, 1814 में अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या है, जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये मतलब हम कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी इनकी, क्राउन वगैरह की, वो क्या हो जाता है, वो डिक्लाइन होने लगा। फिर क्या हो जाता है, जब डिक्लाइन हो गई, आगे भी नहीं चल पाते, फिर क्या हो जाता है, ये छोड़ने लगे, ये एरियाज को छोड़ने लगे, जो कुछ एरिया भी इनके जरिए छोड़ जाता था वो डायरेक्टली अंडर हो जाता है ब्रिटिश के अंडर, उसको अल्टीमेटली ब्रिटिश टेक ओवर कर देता है, कौन, किसके, जो दानिश के पोजिशंस थे उनको, जब वो छोड़ जाते थे उनको कौन टेक ओवर करता था, उनको अल्टीमेटली फिर कौन करता था टेक ओवर, ब्रिटिश, कौन, ब्रिटिश करता था। जैसे कि 1839 में क्या हुआ, शाबाश, 1830 दानिश कॉलोनीज डिक्लाइनेड एंड ब्रिटिश अल्टीमेटली टुक दानिश पोजीशंस। देखिए क्या हो जाता है, फिर एक्चुअली 1830 जब आगे नहीं चल पाए, फिर क्या हुआ, ये अपने अपने पोजीशंस को सोल्ड करने लगे, या अपने पोजीशंस को सोल्ड करने लगे ब्रिटिशर्स को, किनको, ब्रिटिशर्स को। जैसे कि 1839 में क्या हुआ, इन्होंने सिरमपुर को सोल्ड किया, 1839 इन्होंने सिरमपुर को सोल्ड किया ब्रिटिश को। फिर 1845 में इन्होंने ट्रंकेबोर को सोल्ड किया, किसको, ब्रिटिश को। फिर 11 अक्टूबर 1845, यहां याद रखना आप, 11 अक्टूबर 1845 में क्या करते हैं, फ्रेडरिकस नगोर एक्चुअली ट्रेडिंग स्टेशन था, क्या था, ट्रेडिंग स्टेशन। इसको क्यों कहा गया फ्रेडरिकस नगोर, एक्चुअली उस वक्त जो वहां पे किंग था वो फ्रेडरिकस ही था, इसलिए इस ट्रेडिंग सिचुएशन को क्या नाम दिया गया है, फ्रेडरिकस नगोर, आफ्टर द नेम ऑफ द डेनमार्क किंग, दैट इज फ्रेडरिक नगोर, फ्रेडरिकस। शाबाश,
इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फ्रेडरिकस नबूर। शाबाश। इसको कब सोल्ड किया है ब्रिटिशर्स को, 11 अक्टूबर 1845 में। शाबाश, 11 अक्टूबर 1845 में जो ट्रेडिंग स्टेशन था जिसका नाम था फ्रेडरिकस नगोर, उसको भी सोल्ड किया है ब्रिटिशर्स को। ठीक। उसके बाद 16 अक्टूबर 1869 में ऑल दानिश राइटर्स टू द निकोबार आइलैंड्स को सोल्ड किया, किनको, ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा भी बहुत सारे ने सोल्ड किया, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, सारा को सोल्ड होता है किनको, ब्रिटिशर्स को। तो ये यहां से निकल जाते हैं कंप्लीटली। देखिए क्या हो जाता है, 16 अक्टूबर 1869 में क्या हो जाता है, ऑल दानिश राइटर्स टू द निकोबार आइलैंड्स को सोल्ड हुआ। फिर क्या हो जाता है, फिर 1869 में हम कहेंगे कि आइलैंड्स जो थे वो ऑटोमेटिकली वो एनेक्स्ड, वो फॉर्मली जो 1869 में क्या हुआ, जो आइलैंड्स थे वो फॉर्मली एनेक्स्ड हुए किनके जरिए, ब्रिटिशर्स के जरिए। शाबाश, 1869 में आइलैंड्स फॉर्मली एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स, बाय ब्रिटिशर्स। और शाबाश, 1620 में 1600 ये हुई यहां तक कंप्लीट समझो आप ये कंपनी। फिर यहां मैं आपको थोड़ा बोल देता हूं कि 1620 से 1648 तक क्रिश्चियन फोर्थ का रूलिंग सिस्टम रहा, और 1863 से 1869 तक क्रिश्चियन नाइन्थ रहा, क्रिश्चियन नाइन्थ। फिर 1869 में क्या हो जाता है, जब ये कंपनी भेजने लगा सारा कुछ, फिर क्या हो जाता है, ये अपना सिस्टम क्लोज कर देते हैं। फिर इसका जो सक्सेसर आ जाता है वो ब्रिटिश राज आता है, कंपनी रूल आता है, वही जो कंपनी रूल था या ब्रिटिश राज था वही इनको फिर क्या करता है, सक्सीड करता है। फिर क्या हो जाता है, यही पे इसका एंड हो जाता है, इसका एंड दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। शाबाश, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हो जाता है, एंड 1869 में। शाबाश, जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही, एक्चुअली फर्स्ट कंपनी रही 1600 से 1650, दूसरी कंपनी 1670 से 1729, फिर आ जाती है एस्ट रिफाइनमेंट डांस ईस्ट इंडिया कंपनी, का नाम होता है एस्ट कंपनी, जो 1730 से 1777 तक। उसके बाद फिर 1777 से 1869 तक दानिश क्राउन रहता है। फिर 1869 में क्या हो जाता है, ये कंपनी पूरी तरीके से, ये सिस्टम दानिश सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक। फर्स्ट कंपनी डिजॉल्व हुई 1650 में, सेकंड कंपनी डिजॉल्व हुई 1729 में, फिर आप समझो कि जो एस्ट कंपनी थी वो भी खत्म हुई कब, 1777 में, और दानिश क्राउन खत्म हुआ कब, 1869 में। शाबाश, ये था सारा कुछ इसके बारे में, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो गाइस आप क्या करो, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस देयर, आप ब्रीफली डिस्कस देयर अबाउट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तब तक आप इस वीडियो को वॉच करो और अपने नोटबुक पर लिख के रहो। टिल देन, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।